27 ड्रॉप्स हैं, रेडियस 3 mm है, हैविंग अ चार्ज ऑफ 10^-12 कूलम है, कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप है। तो आपको छोटे ड्रॉप्स हैं, बड़ा ड्रॉप बनाना है, रेडियस छोटे ड्रॉप का पता है, चार्ज आपको पता है, फाइंड कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ अ बिग ड्रॉप। तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल और कैपेसिटेंस निकालनी है। तो पहले 27 ड्रॉप्स को मिला लें, तो वॉल्यूम बड़े ड्रॉप का 27 इंटू छोटे ड्रॉप का, तो आपके पास ये रेशियो आ जाती है। छोटे ड्रॉप का रेडियस पता है तो बड़े ड्रॉप का भी आ गया। कैपेसिटेंस बड़े ड्रॉप की क्या होगी, 4πε0r, इसकी वैल्यू आपको पता है, कैपिटल आर आपने वॉल्यूम से निकाल दिया, आंसर आ गया। तो कैपेसिटेंस आ गई बड़े स्फीयर की, कुछ भी नहीं किया, जस्ट ये फॉर्मूला यूज कर लिया। चार्ज बड़े ड्रॉप पे क्या होगा, छोटे ड्रॉप पे अगर चार्ज क्यू है या 10^-12 है, ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं, 27, चार्ज एडिटिव है, तो नया चार्ज क्या हो जाएगा, 27 इंटू चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप, आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल कैसे आएगा, बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल आएगा बड़े ड्रॉप का चार्ज जो निकाल लिया और बड़े ड्रॉप की कैपेसिटेंस जो निकाल ली, डिवाइड करके आंसर आ गया। तो समझ में आ रहा है, छोटे ड्रॉप से रेडियस से बड़े ड्रॉप का रेडियस आ गया, वहां से बड़े ड्रॉप की कैपेसिटी आ गई, बड़े ड्रॉप का चार्ज 27 टाइम्स हो गया, फिर बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्यू डैश बाई सी हो गया। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देख लो, इसने तो आना ही है, इतना इंपॉर्टेंट है। एन ड्रॉप्स ऑफ मरकरी को कंबाइन किया, ध्यान आगे, एन ड्रॉप्स ऑफ मरकरी को कंबाइन किया जिन पे इक्वल चार्ज था और एक बड़ा ड्रॉप बना दिया, तो कंपेयर करो छोटे और बड़े ड्रॉप का चार्ज क्या होगा, छोटे और बड़े ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या होगा, छोटे और बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। तो रूल नंबर 1, छोटे ड्रॉप्स एंड है, बड़े ड्रॉप का रेडियस कैपिटल आर है, चार्ज ऐड हो जाएगा, एन इंटू क्यू, बड़े ड्रॉप का चार्ज क्या हो गया, एन इंटू क्यू हो गया। पहला स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट है, छोटे ड्रॉप की कैपेसिटेंस 4πε0 छोटा आर, छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल 1/4πε0 छोटा क्यू बाई छोटा आर। बड़े ड्रॉप के लिए पहले वॉल्यूम को इक्वेट करें, वॉल्यूम इक्वेट करके बड़े और छोटे का रेडियस का रेशियो निकाल लें, रेशियो निकाल लें। बड़े ड्रॉप की कैपेसिटेंस 4πε0 बड़ा रेडियस, बड़ा रेडियस छोटे की फॉर्म में आता है हमें, बड़े ड्रॉप की कैपेसिटेंस आ गई, छोटे ड्रॉप की कैपेसिटेंस पता है, सी डैश वाली इक्वेशन को सी से डिवाइड कर लें, डिवाइड करके आंसर n^3, तो यानी कि नई कैपेसिटेंसेस n^1/3 इंटू पुरानी कैपेसिटेंस, एक आंसर आ गया। और अब अगर बात करते हैं पोटेंशियल की, छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल ऑलरेडी पता है, बड़े ड्रॉप के पोटेंशियल में चार्ज कितना हो जाएगा, n इंटू क्यू, रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा, तो बड़े का पोटेंशियल आ गया। कैपिटल आर की वैल्यू हमें पता है, n^1, n^1/3, n^2/3, बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल को छोटे ड्रॉप के पोटेंशियल से डिवाइड कर लिया, तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक, या हमने किया हुआ ऑलरेडी। इतना लंबा देखो आना ऑब्जेक्टिव है, शॉर्टकट लिखो फॉर्मूला रजिस्टर में, लिखो शॉर्टकट, लिखो तो ऐसे लिखो कि व्हेन एन स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन या हैविंग चार्ज, चार्ज ड्रॉप्स ऐसे लिख लो, कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, तो चार्ज बिकम्स एन इंटू क्यू, पहला फॉर्मूला, कैपेसिटेंस बिकम्स n^1/3 इंटू पुरानी कैपेसिटेंस, दूसरा फॉर्मूला, एंड पोटेंशियल बिकम्स n^2/3 इंटू पुरानी पोटेंशियल की वैल्यू, तीसरा फॉर्मूला, बात खत्म। कम से कम 3 क्वेश्चन तो आपके ठीक हो ही गए, ऑब्जेक्टिव आने आने हैं, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्लोज। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक क्या करना है आपको, प्रूफ मैंने बताया लेकिन सीधा अप्लाई करेंगे, v की वैल्यू तो वैसे ही पता है, चार्ज वैसे ही पता है, तो वैसी कैपेसिटेंस तो वैसी भी आ जाएगी एक मिनट में।
तो समझ में आ रहा है कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है? एंटर करते जाओ ये फॉर्मूला, फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर बहुत फॉर्मूला और बहुत शॉर्टकट बनने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत काम की चीज़ है, एंड में रिवाइज करोगे वैसे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। आना तो फॉर्मूला बेस्ड ही है, क्यों चिंता कर रहे हो प्लस टू? ठीक है यहाँ तक? ठीक है,